प्रमोद प्रेमी यादव जी जानते हैं क्या? अरे मेरा भाई है। मेरा 2014 में जब हम आकांक्षा म्यूजिक खोले थे तो हमारे साथ बिना पैसा ले ले कम से कम 60-65 को गाना हमारा के देले ऑडियो वीडियो। मेरा भाई है प्रमोद प्रेम। तो आपके भाई के ऊपर एलिगेंस लग चुका है, प्रियंका राय ने लगाया है कि तलाक दे चुके हैं, शादी किए थे, छोड़ दिए हैं, रिलेशनशिप में थे, कई सारे आरोप हैं। नहीं, आरोप नहीं तो सच्चाई बा। दोनों जना हमारे खास बालू। प्रियंका भी हमरा के जब 2014 में आकांक्षा म्यूजिक खोले रहनी तो प्रियंका के भी हम एज ए सिंगर गाना गवेल रहनी, और वो बेरा प्रमोद भाई और प्रियंका दोनों साथ ही हमारे ऑफिस में ही रह लो चाहे शूटिंग भी कैले रह लो हमारा संगे। दोनों जनक से हमार स्नेह बा। आ हम ये कहे कि ये लोग के कम से कम रिलेशन 14-15 साल से बा, एकरा ऊपरे से ही लोग साथ बा। और प्रमोद प्रेमी के स्टार बने में प्रियंका के बहुत बड़ा हाथ बा। प्रियंका बहुत अच्छा एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा डांसर है। और प्रमोद प्रेमी के वो समय रहे जब स्टेज बुक करावल जाता रहे तब प्रियंका के कहा रहे प्रियंका हुई है तबे, और प्रियंका जब हुई तो 20,000 ज्यादा स्टेज शो के मिली। एल्बम में भी जो गाना पर प्रियंका डांस के लिए वो मिलियन में गई बा। हमारे खुद ही आकांक्षा म्यूजिक पर बहुत सारा होली के गाना बा जो मिलियन में गई बा, और प्रियंका के चलते भी गई बा। तो हम कहें कि दूसरा के बात में ना आके पैसे 14-15 साल से रिलेशन चलते रहला तो आगे भी चलावल लोग, तीसरा के बात सुनबल तो आपस में झगड़ा जरूर हुई। तो आ खुद बैठल लो, विचार कर लो, और जे हम मैनेज होके मैनेज करके आ कचड़ा कैला से अच्छा बा शांत होके अपन काम कर। 14 साल का अगर रिलेशन है तो आखिरकार कुछ तो खटास हुई होगी, क्योंकि प्रियंका और प्रमोद प्रेमी 100 200 मिलियन 300 मिलियन तक के गाने दिए हैं। एक तरफा बेल के पतैया की बात किया जाए तो तरफा बजा प्रमोद प्रेमी ने, राज के सावन का सीजन है। प्रियंका को कुछ तो दिक्कत हुई होगी प्रमोद प्रेमी की पहली वाइफ से, तभी तो आखिरकार ये, क्योंकि अगर पहली वाइफ को पहले भी पता था, प्रियंका को अब पहले भी पता था, लेकिन तो इस तरीके से अब केस करने का क्या मतलब? तो यानी प्रमोद प्रेमी को जेल जाना पड़ेगा अगर। नहीं, जेल नहीं जाना पड़ेगा। हमनी के बानी सन समझावल जाई जेल ना जाए के पड़ी। ई पारिवारिक मैटर बा, प्रशासन भी जानते कि पारिवारिक मैटर बा। और जब इतना साल से कोनो कलाकार रहेला साथ में काम करेला और रिलेशन में भी अगर रहेला तब तो परिवार के तो सबके मालूम में रहेला। अब प्रियंका हमारा जहाँ तक जानकारी बा कि आरा में जो प्रमोद प्रेमी घर खरीदले रहे वही घर में वो रहेली, और शुरू से रहते रही 10-12 साल से वही में रहते रही। 2014 के बाद से तो रहते बड़ी वही में। और उनका परिवार से उनका में का भइल का ना भइल, शादी भइल बा कि ना, एकर हमारा प्रूफ नहीं है हमारा लगे कि प्रियंका शादी भइल बा कि ना। एक आधार कार्ड भी सामने आ रहा है कि इसमें प्रियंका के हस्बैंड का नाम प्रमोद प्रेमी है। वो आधार कार्ड बन जाता है सर, आधार कार्ड में बनाने के लिए वो पूछता है कि आपके पति का नाम है, वो लिखा जाता है, वो कोई बड़ा प्रूफ नहीं है। एक आधार कार्ड में आया हुआ है कि भाई पति का नाम दूसरा है प्रियंका जी का। वो कौन है, नाम चेंज हो जाता है, नाम का कोई इतना, पति का नाम का कोई ना नहीं। आधा लड़की सर का आधार कार्ड में बाबू जी के नाम, बाबा हमारे बेटी भी है तो हमारे नामों में बा पिता का नाम। शादी हुई तो चेंज हुई तो पति के नाम हुई। अब बहुत सारा लोग गलतों बना लेवेला तो इमें नहीं के आधार कार्ड के मेन नाम के प्रूफ लोग मांगेला, पति के प्रूफ आज ले ना मांगेला कि पति के कोनो प्रूफ लेके आओ हमारा नाम डाले के बा, ये सब गलत चीज बा। और वो आधार ना होला प्रमोद प्रेमी ने गलत किया क्या प्रियंका के साथ? अब सीधा सीधी बात है, मतलब अगर सामने आ रहा है तो कुछ तो गलत नहीं, हुआ। गलत क्या होता है, गलत होता है कि आज आप मिले, आज अगर मिले, आज कोई लड़की के साथ शोषण किए आप तो शोषण का ही आरोप, वो अगले दिन जाके कंप्लेन कर दी तो उसको गलत कहते हैं। आज अगर आप मेरे पास कोई लड़की आई और उसका शोषण होता है तो कल जाके कंप्लेन कर दी तो इसको शोषण कहते हैं। जो आदमी मान लीजिए एक साथ काम कर रहा है 10 साल 12 साल एक के संग रहा है, एक के संग पार्टी में गया है, एक के संग केक काटा है, एक के संग तरह गाड़ी में जा रहा है, शो कर रहा है, तो उस शोषण ना कहा जाला भाई। आपस के झगड़ा हो, ये झगड़ा खत्म हो जाए। पवन सिंह ज्योति में भी तो झगड़ा रहा है खत्म भइल। खेसारी बड़े बड़े हीरोइनों के हीरो संगे बहुत सारा झगड़ा, आप तो जानते हैं सबका। तो आप वही बात पूछेगा, इस शोषण ना काले तो पुलिसों देखिए यही जगह प्रियंका जो केस कैले बड़ी। अगर
कोयले बाड़ी तब हमारा ज्यादा जानकारी नहीं कोयले बाड़ी दोसर लड़की अगर केस कोयले रही तो तुरंत प्रमोद प्रेमी अरेस्ट हो गए रहते। बिल्कुल सही बात है, तुरंत हो गए रहते, एको सेकंड ना लग रहा, आपको माइक धरने का जरूरत नहीं है, तुरंत हो गए रहते। प्रशासन भी देखो था कि अरे अच्छा पुलिसे थाना प्रभारी जे बा वो देखो था हम तो एक नहीं, दोनों के एक संग नाचो देखे नहीं, एक संग रह देखे नहीं, तो हम कैसे कही की बा। तो मामला कोर्ट में भी जाई तो कुछ हो ही ना, देखिएगा ये सब। अच्छा एक खबर और आ रही है कि प्रमोद प्रेमी तीसरी शादी करने वाले हैं। भाई पांच वो करो ओकर ओकर भाई हमारा भाई हमने के कोनो देखे थोड़े जानी सन कि कौन बियाह का करता, हमने के तो खाए न्योता दी जाए सन खाना खाए सन चल आए सन, वो अपन पांच को करो ओकर हमने के तो एक गो नहीं है अपने से निमन से चल एक गो बर्दाश्त। हाँ वो अगर तीन गो चार गो पांच गो बर्दाश्त कर ली तो करो भाई प्रमोद प्रेमी बहुत अच्छे गायक है और हम लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री का वो एक ऐसा गायक है जो बहुत सारे पुराने भोजपुरी के फोक को जिंदा किया। वो जो गाता है ना तो उसमें कमलबास जी का छाप है और बहुत सारा फोक प्रमोद प्रेमी जिंदा कोयले जो उहे गावेले ओकरा अलावा केहू ना गावेले। तो उ गायक है और मुलायम आदमी है। प्रमोद प्रेमी में कबो घमंड नाम के रौरा चीज ना लोकल हुई कहियो, प्रमोद प्रेमी कबो रौरा के देखावा ज्यादा ना करेला। उ हमरा संगे तो बहुत सारा रलबर लंदन में भी हमने के रहनी से शूटिंग है, जब पटना आवेला तो मिले ला तो भाई का नहीं मिले ला। और हम तो कहनी हमार हम तो कर्जदार बनी प्रमोद प्रेमी के आ प्रियंका के भी, तो हम का बोले सब बा सब चीज चलता।